भारत में लोग हर साल किसी न किसी चुनावी प्रोसेस से गुजरते रहते हैं। इस कारण ईवीएम मशीन का प्रयोग भारत के ज़्यादातर चुनाव में वोटिंग के लिए उपयोगी होता है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कब कैसे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या है ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन का आविष्कार कब और किसने किया और इसका इतिहास। इसके साथ ही आपको बताएंगे भारत में ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम निर्माण, सर्वप्रथम उपयोग कब और कहां हुआ। सबसे आखिर में आपको बताएंगे दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट कब और किस देश ने दिया। वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इस मशीन को चुनाव के समय वोट डालने के लिए प्रयोग करते हैं। यह मशीन वोटों की गणना एवं उसे डिवाइस में सुरक्षित रखती है। समय अनुसार उससे वोटों की गणना प्राप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम विश्व में ईवीएम मशीन का आविष्कार 1898 में हुआ। गिलेस्पी और आविष्कारक जेकब मायर्स ने, जिनके पेटेंट ने गिलेस्पी के काम की जानकारी ने एक कंपनी को आयोजित किया जो स्वयंचलित वोटिंग मशीन की कंपनी बन गई। मायर्स ने एक वोटिंग मशीन का पहला प्रदर्शन 1892 में लॉकपोर्ट न्यूयॉर्क शहर के चुनाव में किया। भारत में इसके सर्वप्रथम निर्माण की बात करें तो एमबी हनीफा ने पहली भारतीय वोटिंग मशीन का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित जनगणना मशीन का प्रदर्शन 15 अक्टूबर 1980 को हुआ। इसे तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनों में इसका मूल डिजाइन जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। ईवीएम को 6 वोल्ट की बैटरी से संचालित किया जाता है। ईवीएम के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा नियंत्रण निकाय और दूसरा बैलेटिंग यूनिट। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के नॉर्थ पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। बड़े प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ। इसके बाद 1999 के गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का पूरे राज्य के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सभी अधिकांश राज्यों में नियमित रूप से इसका प्रयोग किए जाने लगा। अब इस ईवीएम मशीन से पहले इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर को भी जान लेते हैं। क्या है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर एक प्रपत्र है, यह चुनाव के समय प्रयोग किया जाता था। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए। इसी आम चुनाव में इस बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया, जिसमें उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह इसमें अंकित होते थे। इस प्रपत्र में वोटर मनपसंद के उम्मीदवार को देखकर उसके सामने सील लगा देता था। वह बैलेट पेपर एक बक्से में बंद कर दिया जाता था। चुनाव के बाद वोटों की गणना होती थी, उस समय इसे खोलकर उसकी गणना की जाती थी। वर्तमान में इसका प्रयोग अत्यंत कम हो गया है, इसकी जगह ईवीएम मशीन व वीवीपैट मशीन ने ले लिया है। ईवीएम के फायदे की बात की जाए तो एक अनुमान के मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है। ईवीएम मशीनों को मत पेटियों की तुलना में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके कारण दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मताधिकार मिल जाता है। और ईवीएम मशीनों के द्वारा मतगणना भी तेजी से होती है, जिससे परिणाम जल्द ही घोषित हो जाते हैं। सबसे आखिर में महत्वपूर्ण सवाल, पहले महिला वोटिंग राइट्स की बात करें तो पहले महिला वोटिंग राइट देने में दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड, जहां महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1893 में मिला। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।